तो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप माय ऑडियो वीडियो क्लियर टू ऑल। एक बार चेक करिए मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज फॉर बोथ बोथ बेटा, सागर पवार इज फॉर दिस, फॉर बोथ, वन एंड टू बोथ। ओके, तो एक मिनट का मेरे को टाइम दीजिए, बिकॉज थोड़ा समय को लग रहा है कुछ एक सेटिंग करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी टाइम। सर एमपीपीसीएल जेई की सीट बिक चुकी है सर, पैसे से काम हो रहा है सर। गुड इवनिंग, अभी मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं है। सागर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप माय ऑडियो वीडियो क्लियर टू ऑल। तो एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा मेरे हिसाब से वीडियो मेरा क्लियर आ रहा होगा, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेल कहाँ है? सेल कहाँ है? सेल कहाँ है? सेल यहाँ है। जी हाँ, अब मिलेगा 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ, यही टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथ ही साथ मिलेगा 18 महीने का टेस्ट बुक पास लोएस्ट एवर प्राइस, यानी कि सिर्फ ₹299 में। तो अगर आप SSC, UGC NET, CSIR NET, बैंकिंग, EPFO, टीचिंग, UPSC, डिफेंस, स्टेट PSC, AJEE और GATE जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस मौके का फायदा उठाइए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और अभी इनरोल करिए टेस्ट बुक के साथ। गुड इवनिंग एवरीवन, ऋतु दमन गुड इवनिंग, सागर गुड इवनिंग। तो एवरीवन, क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जनता क्लास को देख सके। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए एक पेपर लेके आया हूँ। तो पेपर देखिए किस टाइप का पेपर आया था। ओके, तो आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप लोग यदि तैयारी कर रहे हो कैटेगरी 1 और 2 की, यदि कोई बच्चा डिप्लोमा का है तो वो बच्चा तैयारी करेगा कैटेगरी 1 की, कोई बच्चा ITI का है तो बच्चा तैयारी करेगा कैटेगरी 2 की। बच्चों, यदि कोई बच्चा डिप्लोमा किया हुआ है तो वो बच्चा तैयारी करेगा कैटेगरी 1 की, और यदि कोई बच्चा ITI करा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक से, तो वो बच्चा तैयारी कर रहा है किसकी? बच्चा तैयारी कर रहा है कैटेगरी 2 की। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग तैयारी करिए डिप्लोमा होल्डर कैटेगरी 1 और भैया ITI होल्डर कैटेगरी 2 की तैयारी करिए, ठीक है। अब बच्चों, फंडा ये है कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन का सही सोर्स आपको पता होना चाहिए। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन का सही सोर्स आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज देखते हुए टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए कोर्सेज लॉन्च किए। मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के पास आपको, टेक्स्ट बुक के पास आपके लिए वीडियो कोर्सेज मिल, मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लोग मेरी टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लीजिए, अतुल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। तो टेलीग्राम आईडी आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, अतुल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। टेलीग्राम आईडी पे ही मेरी YT क्लास के लिंक मिलेंगे, मेरे YT क्लास के PDF मिलेंगे। और उसके साथ अब आते हैं कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की। यदि कोई बच्चा बार्क कैटेगरी 1 में एडमिशन लेना चाहता है तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 5 से लेकर 7 मई तक एक बहुत अच्छी खासी सेल चल रही है, और इस सेल में आपको 65% डिस्काउंट के साथ 35% एडिशनल डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं और 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको कूपन कोड ATULV लगाना पड़ता है, उसके लिए आपको कूपन कोड ATULV लगाना होता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें यदि आप लोग 6 मंथ का कोर्स लेते हैं तो 2 मंथ का कोर्स आपको फ्री मिलेगा। यदि 6 मंथ का कोर्स आप परचेज करते हैं तो 2 मंथ का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो टोटल कोर्स हो गया आप लोगों का 8 मंथ।
और 8 मंथ का कोर्स ये खाली आपके लिए 1819 रुपीज में है, जो कि बहुत ही लीस्ट प्राइस है। ओके, टोटल कोर्स का प्राइस हो गया 1819, जो कि बहुत ही कम प्राइस है। अब इसी तरह मैं आपको बता दूं यदि आप लोग बार्क आईटीआई, यदि कोई बच्चा आईटीआई करा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या ओके, उनके लिए सबके लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो आप लोग आईटीआई वाले स्टूडेंट्स कैटेगरी 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के साथ। उन लोगों का जो कोर्स का प्राइस है वो है 1559, 8 मंथ का कोर्स। तो खाली आपको ATULV यूज करना होता है, खाली आपको ATULV यूज करना होता है, ATULV यूज करके आपको मिल जाएगा कोर्स। यदि आप चाहते हो कि सर मेरे को दिखा दो एक मिनट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट एवरीवन, 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट में आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको ओपन करना है कोर्सेस। देखिए, यदि कोई बच्चा कोर्स को ओपन करना चाहता है तो आप कैसे ओपन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग नेट पे गए, नेट पे जाके सुपर कोचिंग पे जाइए, और सुपर कोचिंग पे जाने के बाद यहाँ पर डाल दीजिए आप लोग बार्क डाल दीजिए, और जैसे ही आप लोग डालेंगे बार्क तो आपका कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों आ जाएगा। अब मान के चलो कोई आईटीआई का स्टूडेंट बैठा है क्लास में, उसको एडमिशन लेना कैटेगरी 2 में, तो बार्क कैटेगरी 2 में आपने ओपन कर लिया। और बच्चा बार्क कैटेगरी 2 ओपन करने के बाद आप चले जाइए नीचे, इसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ के कोर्स हैं। ओके, कोर्स देख लीजिए, आपके बहुत सारे कोर्स डले हुए हैं, आपके सभी क्लास के कोर्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिटर का, साइंस का, मैथ्स का, जनरल अवेयरनेस का, सारे कोर्स दे रखे हैं, वो भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के कोर्सेज। देखिए पैरामाउंट का, परचम का, संकल्प का, सारे कोर्स आपको दे दिए हमने। तो अब आपको ये है परचेस करना, तो परचेस करने का सही तरीका ये है कि आपका जो 6+2 मंथ का जो प्राइस है वो आपका 1679 का है, तो आप लोग कूपन कोड यूज करिए ATULV, आप लोग ATULV कूपन कोड यूज करिए। ATULV यूज कर लिया, अप्लाई कर लिया, और ATULV यूज करने के बाद देखिए प्राइस हो गया 1559। तो ATULV कूपन कोड यूज करके आप अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कैटेगरी 2 वाले बच्चे, कैटेगरी 1 वाले बच्चे यदि एडमिशन लेना चाहते हो कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 वाले बच्चे कैटेगरी 2 में एडमिशन ले सकते हैं। चलो सर, सर बहुत हुआ, आपने सारा बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया पेपर क्या था वो। तो आज मैं आपके लिए एक पेपर लेके आया हूं ताकि आपको देख सको कि भैया पेपर किस टाइप का आया था। ओके, ये एक पेपर है या सर, बट लेवल ऑफ द एग्जाम इज डिफरेंट फॉर कैटेगरी 1 एंड 2, इज ऑलमोस्ट थोड़ा सा अपर लेवल मान सकते हो, डिप्लोमा में थोड़ा लेवल आप मान सकते हो, बट आप क्वेश्चन देखना, क्योंकि क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर हाँ सर ऐसे क्वेश्चन डिप्लोमा में भी आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं वो पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सौरभ सर आपका इतना क्लास करता हूं, मम्मी बोल रही है सर सर के पास रूम रेंट लेके पढ़ाई कर। गुड गुड, चलो बोलो बच्चों, ओम्स लॉ बताओ, ओम्स लॉ कौन सा है। ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताएंगे कोई बच्चा ओम्स लॉ कौन सा है। एनीवन, वेरी गुड यार, वेरी गुड सर। ओम्स लॉ तो मैंने पढ़ाया V=IR, पर आप देखिए कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसमें से कोई सा ओम्स लॉ नहीं है ए ऑप्शन को छोड़ के, तो V=IR ओम्स लॉ होता है सर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है कैटेगरी 2। चलो गाइस, अभी ना क्वेश्चन की पूरी भरमार लेके आया हूँ आपके लिए, 4-5-6 क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, इसलिए थोड़ा मैं पूरा करके लाया हूँ, बिकॉज ये पेपर था एक जिसमें क्वेश्चन थे। अभी आप नंबर देखते जाना, ये पूरा पेपर है जो मैं आपके लिए पूरा स्क्रीन पूरा निकाल के लाया हूँ, एकदम पेपर उठा के लाया हूँ। आप देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए। गुड इवनिंग असना, कितने डायोड यूज करते हो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में, बताओ। दूसरे पहले तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, कितने डायोड यूज करते हो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में, कितने यूज करते हो। सौरभ बोल रहे हैं सर 4 यूज करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ एवरीवन, द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज कैसा डोप्ड होता है। ट्रांजिस्टर, मैं जो नंबर देता जा रहा हूं नंबर के आगे ऑप्शन दीजिए कि सर तीसरे क्वेश्चन का सी है, चौथे क्वेश्चन का, जैसे सौरभ दास दे रहा है, सौरभ वेरी गुड, इसी टाइप से दो। ओके, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है, द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज कैसा डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड होता है, सौरभ वेरी गुड,
आपको बताइए सौरभ, वेरी गुड। पांचवे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर एलिमेंट कौन सा होता है? रश्मि गुड इवनिंग, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, बोलो बच्चों। आठवें क्वेश्चन के लिए मैं आपको वो दूंगा, मोहिनी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर भैया सिलिकॉन दिख रहा है, चौथा ऑप्शन सिलिकॉन, सिलिकॉन आंसर हो गया। पांच छठे क्वेश्चन के लिए मैं आपको फोटो हटाना पड़ेगा अपना, तो मैं एक मिनट के लिए फोटो हटा देता हूं। छठा क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे, छठा क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करके बताओ छठे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, करो छठा क्वेश्चन। और सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, एवरीवन शेयर एंड लाइक, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जनता जुड़ सके और देख सके पेपर का लेवल क्या है। ओके चलो चलो भैया ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो, आपने सब पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे, अभी बताओ अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे ना पढ़ा हुआ हो? कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स को देख लीजिए एक बार जल्दी से और आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री का आपने बता दिया, क्वेश्चन नंबर फोर का आपने बता दिया, क्वेश्चन नंबर ओके अब बारी है क्वेश्चन नंबर सिक्स की, क्या हो गया आइयो, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स क्यों नहीं हो पा रहा है आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी, सौरभ दास, असना बी, मोहिनी बी, यस, क्योंकि ऑसिलेटर में हम लोग जानते हैं ए बीटा इक्वल टू वन होता है भैया, ऑसिलेटर में ए बीटा इक्वल टू वन होता है, और आपको यहां पर बीटा दिया है 50, देखिए ना बीटा आपको 50 दिया है, और जब आपको बीटा 50 दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं गेन बोला है ना, नहीं नहीं एक सेकंड, एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिया है 50, सॉरी फॉर दिस, हाँ एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज गिवन टू बीटा, तो लेस देन वन ही होता ऑब्वियसली, हाँ एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपको 50 दिया है और ए बीटा इक्वल टू आपको 1 दिया है, तो मैं बोल सकता हूं आप लोगों को ए 50 मल्टीप्लाई बाई बीटा, फीडबैक फैक्टर पूछा है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1/50, ऐसा ऑप्शन आपको बी दिया हुआ है, बी इज द आंसर। ओके आई होप दिस क्लियर टू ऑल एवरीवन। तो क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 क्लियर सर, दूसरा निकालिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, चलिए तीन क्वेश्चन के लिए मैं आ जाता हूं वापस, फिर रात 10वें क्वेश्चन के हट चला जाऊंगा। बोलिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लगता है आंसर क्या होगा एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? बोलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई? यस 7 का सी, रश्मि सी, सौरभ दास सी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्चुअली दिस क्वेश्चन आंसर इज सी, यदि कोई आपसे पूछेगा आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज लोड करंट पे डिपेंड करेगा और इनपुट वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा, यदि इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होने का ज्यादा होगा, और लोड करंट ज्यादा होगी तो लोड करंट ज्यादा होगी तो आउटपुट वोल्टेज भी उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन बोथ, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई डिपेंड्स ऑन बोथ इनपुट वोल्टेज एंड द लोड करंट। ओके आई होप दिस क्लियर टू ऑल गाइस, कैन यू टेल मी द क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 8, सौरभ दास बी, असना बी, मोहिनी बी, विशु बी, यस एक बार चेक करिए, मैंने आपको बोला है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल विल बी इक्वल टू व्हाट? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, फ्री नंबर ऑफ होल इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माय फ्रेंड, एन इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? यस एन इज नथिंग बट सिंपली इक्वल टू व्हाट द पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल, आई होप यू नो दिस। इट कैन यू टेल मी द नंबर 9 आंसर? प्लीज टेल मी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। 9 का जिसने आंसर दे दिया वो थोड़ा समझिए कि भैया आप पढ़ रहे हो अच्छे से, 9 का आंसर एकदम करेक्ट दीजिएगा। विशु बोल रही है ए, रश्मि बोल रही है ए, मैं बोल रहा हूँ ये जो बेस करंट होती है आई बी वो आई ई के कितने परसेंटेज के बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली, कैन यू टेल मी? देखिए 20%, 30%, 50% ऑफ वेरी वेरी हाई, और आपको पता है ये जो आई बी होता है अप्रोक्स 2%, 3%, 4%, 5% के आसपास होता है,
लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, बिकॉज बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो बहुत हाई है। तो आंसर बना दो 5% ऑफ आईई के बराबर होगा, ये 5% ऑफ आईई के बराबर होगा। अब एक बात बताइए, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। यस, बेस बहुत कम होता है, यस। आप बीटा से आइडिया लगा सकते हो, आईसी और आईई एक रेंज के होते हैं, आईसी और आईई एक रेंज के होते हैं, आईसी आईई इज ऑलमोस्ट सेम, तो आप लगा सकते हो बीटा की वैल्यू होती है करीब करीब 95-96, तो 95 सिंपल सा हो गया। ओके, तो आप काउंट कर सकते हो, 5% हो गया सिंपल सा बेस। ओके, व्हाट आर द, टेल मी द क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ट्रांजिस्टर को किस मोड में यूज करोगे जब ऑपरेट करते हो, जब ऑपरेट ट्रांजिस्टर को डीसी सर्किट यूज करने के लिए किस मोड में ऑपरेट करोगे? ऑब्वियसली सैचुरेशन कट ऑफ में ऑपरेट करोगे। गुड इवनिंग नसीम, गुड इवनिंग नसीम अहमद, गुड इवनिंग। ओके, आई होप दिस क्लियर टू ऑल। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 क्लियर है? 9 वाला भूल गया था, 9 वाला भूल गया था बेटा। 9 वाले के लिए आप ना देखो, 9 वाले के लिए भूलना नहीं है आपको, बीटा की वैल्यूज एक बात बताओ सौरभ दास, एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू जो आपने पढ़ी है, जो मैंने लिखाई है अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है अल्फा की? सौरभ, सौरभ अल्फा की प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है बोलो एक बार, आप एक बार अल्फा की प्रैक्टिकल वैल्यू बोल दो कितनी होती है, बोलो। मैं बताता हूं आपको समझना कैसे है, अल्फा की प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी बताई थी? नहीं याद सर, 0.99, लेस देन 1 होती है, लेकिन आपको याद हो प्रैक्टिकल वैल्यू में लिखाई थी 0.95 से लेकर 0.99 तक होती है करीब करीब, स्टेप की वैल्यूज मैंने लिखाई है। और यदि आप देखो जो अल्फा होता है ना, अल्फा इज नथिंग बट इज वॉट, ये आपका अल्फा आप देखोगे तो ये आईसी बाई आई होता करीब करीब। ओके, ये अल्फा की वैल्यू आपने पढ़ रखी है इस टाइप की, तो इसके हिसाब से बीटा भी आप जानते हो, बीटा भी आप जानते हो अल्फा की वैल्यू होती है 0.95 to 0.9599। तो यदि मैं आपको नॉर्मली बोलूं, ये जो अल्फा होता है, दिस इज नथिंग बट सिंपली इक्वल्स टू व्हाट इज द आईसी बाई आईई, ऐसा ही तो होता है आईसी बाई आईई। ओके, तो मैं आपको बता दूं, जब आईसी बाई आईई आप देखते हो, अल्फा की बात करते हो, और जो आईई है अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट द आईसी, आईसी को आईसी रहने दो, और इसको लिख लो आईसी प्लस आई, नहीं नहीं उल्टा उल्टा लिख दिया सर, लिख दिया फॉर दिस। हाँ, ये सीखने का तरीका है कि आईसी को आप लिख दो आईई माइनस आईबी, और इसको आई रहने दो, तो अल्फा क्या हो गया 1 minus IB by IE। तो IB by IE यदि आप देखते हैं बच्चा पार्टी, तो इसको इधर ले आओ, 1 minus alpha, और 1 minus alpha यदि आप देखोगे 0.95 लगा लो, this is nothing but 0.05, तो IB by IE this is 0.05, तो 5% हो गया, नहीं हो गया? बहुत बफरिंग है मेरी साइड, सर की साइड से हुई हो रही है, यस बफरिंग है। आज मैं वैसे भी नॉट इन माई होम, मैं आउटसाइड हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा तो बैकग्राउंड भी थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए थोड़ा बफरिंग मे भी हो रहा होगा। या क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। नेक्स्ट आई गाइस, क्वेश्चन 11, 13, 11, 12, 13 ट्राई करिए। तीनों डायोड को कैसे यूज करते हो आप एक्चुअली में, बताइए तीनों डायोड को एक्चुअली कैसे यूज करते हो आप लोग, ये बताइए। ये बोला भाई जीरो डायोड को कैसे यूज करते हो एक्चुअली। जेनर डायोड को आमतौर पे डैश में उपयोग किया जाता है, लिखी हुई है। ओके, कोई बच्चा पूछे सर हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर, परी मत करिएगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, यस वोल्टेज रेगुलेटर होता है। तो जीरो डायोड की बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड की बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन सी होती है? वो होती है आपकी वोल्टेज रेगुलेटर, बस खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट होता है। 12 का आंसर दीजिए, 12 का आंसर दीजिए। विशु बता रही है बी, असना बी, मोहिनी बी। ओके, सो चूज करेक्ट ऑप्शन इन अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर, सही विकल्प चुनिए।
तो सही विकल्प तो यही है कि आईई की वैल्यू आईबी प्लस आईसी के बराबर होती है। आईबी की वैल्यू आईई प्लस आईसी के बराबर होती है। यस, आईई की वैल्यू आईबी प्लस आईसी के बराबर होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए एवरीवन। आज ऐसे मेरा काम ज्यादा नहीं है, मेरा काम खाली क्वेश्चन लेके आया हूं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे दीजिए, क्या है ये बताइए मेरे को, सब पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। 13 का असना बोल रहे हैं अभी, एक बार रीड कर लेता हूं क्वेश्चन। इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर आर डोनर आयंस, एक्सेप्टर आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स। आई थिंक आपने डी ऑप्शन चेक नहीं किया असना, मे बी असना आपने शायद डी ऑप्शन चेक नहीं किया है। ओके, तो असना आप डी ऑप्शन भी देख लो, मैं अपनी शक्ल हटा देता हूं, आप एक मिनट देख लो डी ऑप्शन। आई होप आप लोग नहीं देख पाए हो तो आपने जल्दीबाजी में, तो आप एक बार डी ऑप्शन देख लीजिए। इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर आर, ऑप्शन डी अब तो दिख गया होगा, मैंने शक्ल हटा दी अपनी तो दिख गया होगा। तो अब आप यदि देख रहे हैं ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी दिख गया आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चों, क्या होल होगा। यस, दैट इज अ होल। पीएनपी का जो मेन जो कैरियर, जो करंट कैरियर होता है वो होल ही होता है पीएनपी का। एनपीएन का मेन कैरियर इलेक्ट्रॉन और पीएनपी का मेन कैरियर इज अ होल। ओके चलो गाइस, वेरी गुड। आइए देखिए 14 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। 14, 15, 16, 17 बताइए, 14, 15, 16, 17 बताइए। 14 का बताइए सबसे पहले, आप रीड कर लीजिए, रीड करिए, रीड करिए। टू कैरी अ करंट 0.3 एम्पियर इन अ, टू कैरी अ करंट 0.3 एम्पियर इन अ 100 ओम रेजिस्टर, यू विल रिक्वायर अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। क्या ये क्वेश्चन, कॉमा वाट, 100 ओम प्रतिरोधक में 0.3 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने के लिए 100 ओम कॉमा वाट के प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। ओके आप निकालिए, बोलिए बोलिए एवरीवन, व्हाट आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इसने बोला है कि एक 100 ओम का रजिस्टर है, एक 100 ओम का रजिस्टर है और 100 ओम के रजिस्टर में 0.3 एम्पियर की करंट बहानी है, 0.3 एम्पियर की करंट बहानी है 100 ओम के रजिस्टर में, 100 ओम के रजिस्टर में 0.3 एम्पियर की करंट फ्लो करनी चाहिए। तो आप लोगों से पूछा है क्या, आप लोगों से पूछा है कि बताइए कि कितने वाट के प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। नाइन होना था सर, कैन यू टेल मी नाइन कैसे, नाइन कैसे, नाइन कैसे लगा रहे हो आप। एक्चुअली वहां पे 100 ओम दिया है और आपसे वाट पूछा है, तो बोल रहा वाट की जगह वोल्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट पता नहीं वाट क्यों दिया हो, वोल्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। थ्री या विशु, नहीं सौरभ, योर आंसर इज थ्री, योर आंसर इज थ्री सौरभ। यस, एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये है, जैसे ये है, इसमें आपको बता दूं यदि आप पावर निकालना चाहोगे तो इस वॉट द सिंपली द आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर आप ऐसे करना चाहते हो, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर यदि आप करोगे तो इस वॉट द 0.3 × 0.3 एंड द मल्टीप्लाई बाई द 100, दैट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, 0.3 × 0.3 100 सिंपली द 9 वॉट। आई नहीं आ रहा आंसर तो, यस 9 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो मतलब कुछ गड़बड़ तो है इस क्वेश्चन में। टू कैरी अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर इन अ 100 ओम रेजिस्टर, यू विल रिक्वायर रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम कॉमा वाट। ये लाइन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, यू विल रिक्वायर रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम कॉमा वाट, मतलब पी बराबर आई स्क्वायर आर, 0.3 × 0.3 × 100 इज सिंपली द 9 वाट, बट दिस इज लाइन इज थोड़ा सा अटपटा। नहीं नहीं अप्रोक्स 10 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, एक सेकंड कुछ और सोचिए, एक सेकंड, एक जस्ट गिव मी वन मिनट ओनली। मतलब इसने एक लाइन डायरेक्ट तो नहीं है, क्योंकि पावर तो डायरेक्ट नहीं पूछा है,
टैट पावर नहीं पूछा है, पहली बात तो ये है। मतलब इन्होंने बोला है कि 100 ओम की, 100 ओम का हमारे पास एक रजिस्टर है और इसमें आपकी 0.3 करंट की फ्लो करनी चाहिए, 0.3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ओके। और आपको बता दूं 0.3 के साथ, जैसे आपका 100 ओम है ये, तो एक कोई भी ले रहा होगा, इसमें पावर मैं आपको बता दूं, इसमें ये आपका 100 ओम है और एक वोल्ट मीटर ले लेता हूं मैं एक, और इसको मैं वी ले लेता हूं बिकॉज इसकी पावर बाद में निकाल दूंगा, लास्ट में पावर इसकी निकाल दूंगा, ये वी है और इसकी पावर निकाल दूंगा लास्ट में, और ये आपका 100 है और ये आपका 0.3 है। तो यदि मैं यहाँ से वी देखूँ, तो वी हो गया 3, 3, वी सिंपली 3 + 3, और फिर यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 × 3, नहीं एक्चुअली यार दिस द आंसर इज 9 ही लग रहा है मेरे को, बट आई थिंक सम मिस्टेक इज देयर, या तो कुछ गलत है या कुछ है इसमें, ओके। बट अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन द आंसर इज 9 वॉट, या तो ये वोल्टेज पूछा होगा मेरे हिसाब से, एक्चुअली या तो ये वोल्टेज पूछा होगा, हो सकता है वोल्टेज पूछा हो, ओके। कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इसमें छोटी मोटी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग रावण। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग टिक कर लेते हैं, बिकॉज अभी इसको हम ले लेते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है 14 वाले, ओके। या तो क्वेश्चन की थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग लग रही है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग बताइए, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको, ओके। तो थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ, मिसप्रिंट टाइप का डालता हूँ, मिसप्रिंट टाइप। या टेल मी द क्वेश्चन 15 आंसर एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन 15 का आंसर दीजिए। अभिषेक कुमार डी, मोहिनी डी, विशु डी एंड सौरभ दास ने डी दे दिया था, ओके। गुड इवनिंग पवन। या रजिस्टर, एक्चुअली रजिस्टर आपका ये पैसिव होता है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, दीज आर द पैसिव एलिमेंट्स, ट्रांजिस्टर, SCR, ट्राइक, ये सब आपके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में आप मेरे को आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या लगता है। गुड इवनिंग आयुषी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताइए, मेमोरी दैट लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर सप्लाई इज लॉस्ट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इस टर्म को? क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। अरे नहीं, 16 विशु गलत है आपका। या दीपक, रश्मि, वेरी गुड। एक्चुअली ये कंसेप्ट होता है वॉलेटाइल, ये याद रखो, वॉलेटाइल का मतलब क्या है? वॉलेटाइल का मतलब ये है कि यदि आप चला रहे हो, मान के चलो कोई सिस्टम आप चला रहे हो, मतलब कोई सिस्टम आप चला रहे हो और सिस्टम में बीच में चली गई लाइट और आपका इंपॉर्टेंट काम था, लाइट चली गई, आपका कंटेंट लॉस्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, सुनो दोबारा से। मान के चलो आपकी लाइट चली गई, जैसे मैं आपको खुद बता दूं, यदि अभी मेरी लाइट चली गई ना, तो ये पीपीटी नष्ट हो जाएगी। यदि लाइट चली गई तो ये पीपीटी जिस पर मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये जो लिख रहा हूं, ये नष्ट हो जाएगी, समझ कर रहा हूं, ये नष्ट हो जाएगी, क्लास भी नष्ट हो जाएगी और पीपीटी भी नष्ट हो जाएगी, समझ रहे हो ये चीज को? तो यहां पर फंडा ये है कि इस चीज को बोलते क्या है, इस चीज को बोलते हैं वॉलेटाइल, इस टाइप की मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो पावर ऑफ करने पे मेमोरी लॉस्ट हो जाए, इसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। आइए 17वें क्वेश्चन पे आइए, ओके। प्राइमरी मेमोरी, यस, द वॉलेटाइल, सही बोल रहे दीपक। नाउ द ट्रांजिस्टर इज मोस्ट सेंसिटिव टू, ऑब्वियसली सर, ट्रांजिस्टर इज मोस्ट सेंसिटिव टू एयर टेम्परेचर, यस, दिस टेम्परेचर इज द आंसर, वेरी गुड, यार टेम्परेचर इज द आंसर, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। इस क्वेश्चन 14 का देख लेंगे, ठीक है, इन द लास्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 को ट्राई कीजिए एवरीवन, सॉरी 18 को ट्राई कीजिए, 18 का आंसर बताइए ऑल ऑफ यू, एक बार आप लोग 18 का आंसर बताइए एवरीवन, बोलिए। नितिन सैनी, ओके बेटा, ओके, गुड इवनिंग नितिन, बोलिए सभी लोग, बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बताइए दो मेन कंपोनेंट सीपीयू के, दो कंपोनेंट कौन से, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं?
ये मैं 12th मेरा हिंदी में हुआ, मैं आपको बता दूं मेरा 12th तक मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, ये हिंदी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, लेकिन अभी हिंदी का टच बिल्कुल हट गया है, लेकिन इसमें हिंदी भी लिखी हुई है आप लोगों के लिए। ओके चलो, तो भैया इसमें सिंपल सा फंडा है, ALU CU होता है, तो आंसर बन के आता है डी, ALU होता है, CU 18 का बनता है डी। वेरी गुड, यस ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और ये ALU कंट्रोल यूनिट और ALU होता है, तो होता है। ओके पावर सप्लाई मेमोरी, पावर सप्लाई मेमोरी वो पार्ट में नहीं आते। ओके यहाँ पर आपको जो पूछा है वो CPU का पार्ट पूछा, ठीक है वो आप बोलोगे सब पावर सप्लाई तो हो तो होगा ही, लेकिन जो हमारी मेन चीज है वो तीन चीजें, एक है ALU CU एंड रजिस्टर्स। एक्चुअली यदि आप कोई बच्चा मुझसे पूछेगा तो मैं उससे बोलूंगा कि भाई इसमें तीन चीज होती है, एक होता है ALU, एक होता है CU और एक होता है रजिस्टर, तीन चीज होती है। ओके तो उसमें दो दे नहीं रखा था, जैसे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट रजिस्टर दे रखा है, यहाँ पर मेन मेमोरी रजिस्टर दिया हुआ है, और रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज ऑप्शनल। एक चीज बता दूं आपको, रजिस्टर आपका ऑप्शनल होता है किसी किसी में, इसलिए आपका ALU और कंट्रोल यूनिट कंपलसरी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में ही दिए थे, तो ऑप्शन डी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर बच्चों। अच्छा आपका भी 12th तक हिंदी में था, ओके 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 गुड। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में मेरे को बताइए, 19 के बारे में क्या कहना है। अब भैया 19 वाला क्वेश्चन कोई बच्चा बोल नहीं सकता क्लास में, सर आपने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि 10 बार आपको टेबल पढ़ा चुका हूँ। या 19 का सी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों। सबसे कम इफिशियंसी किसकी होती है, क्लास ए की होती है, हर बच्चे को पता होगा, और सबसे हाईएस्ट इफिशियंसी किसकी होती है, नहीं हाईएस्ट चलो अभी किसकी होती है हाईएस्ट आप बताइए, हाईएस्ट इफिशियंसी किसकी होती है एवरीवन। यस सबसे हाईएस्ट इफिशियंसी किसकी होती है दीपक, अरे आंसर दो पहले, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। 19 का आंसर दो, सी एम्पलीफायर, यस चलो गुड वेरी गुड बढ़िया। 20 का आंसर दीजिए, एक भैया ब्रिज रेक्टिफायर है जिसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, क्या आप लोग बता सकते हो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 100 100% क्या 100%, ये बताओ मेरे को, ये बताओ मेरे को जो 20 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर क्या होगा, द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ आ, यस द फ्रीक्वेंसी है 100 होगा, लेकिन आपको 100 दिख नहीं रहा है, 100 दिया है ऑप्शन डी में बच्चों, 100 आपको ऑप्शन डी में दिया है, देख लीजिए 100 आपको ऑप्शन डी में दिया है, इनपुट फ्रिक्वेंसी ब्रिज रेक्टिफायर की दे रखी है 50, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी उसकी डबल होती है, दैट इज 100 हर्ट्ज। ओके चलो गाइस, आई होप दिस क्लियर टू ऑल, क्लियर, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, 20 तक हो गया, नाउ द 21 से स्टार्ट कर बच्चों, 21 एक बार क्वेश्चन देखिए और बताओ, 21 एक बार 21 देखिए, यदि 40 कूलाम ऑफ चार्ज कैरियर पास द पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 20 सेकेंड्स, तो बता दो भाई करंट कितना होगा, 40 कूलाम 20 सेकंड में फ्लो कर जा रहा है तो करंट कितना होगा, ऑप्शन डी हो तो क्या, आप आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ऑप्शन डी बता दिया 100 हर्ट्ज, आगे बढ़िए, यस दैट इज द आंसर इज अ 2 एम्पियर। ऐसा क्यों सर, क्योंकि मैंने आप बोला कि आपका जो 20 कूलाम है, चलो ये छोड़ो सर, क्यू बराबर IT होता है सर, क्यू बराबर IT होता है ना, तो I बराबर Q/T हो गया, Q कितना है 40, डिवाइड बाई कर दिया 20, तो सर ये 2 मेरा आंसर आ गया, 2 मेरा दिया था एम्पियर। आइए एक मिनट के लिए, 21 तो आपने बता दिया ना, 22 एक बार ट्राई कर लीजिए जल्दी से एवरीवन। बेटा 1 किलो ओम और 2 किलो ओम पैरेलल में कनेक्ट हैं 12 वोल्ट के साथ, एक बताता हूँ, 1 किलो ओम और 2 किलो ओम पैरेलल में कनेक्ट है, 1 किलो ओम 2 किलो ओम, ओके 1 किलो ओम 2 किलो ओम पैरेलल में कनेक्ट है वोल्टेज सप्लाई के साथ, ऐसे ही बोला है ना शायद मेरे हिसाब से, दिस इज वॉट द 1 किलो ओम एंड दिस नेक्स्ट वॉट द 2 किलो ओम, इसके साथ है ये 1 किलो ओम 2 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ऑफ 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ है, 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ है, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, आप लोगों को बोला है कि करंट पासिंग 2 किलो ओम में कितनी करंट
बह रही है, तो इसमें जो करंट बह रही है उसकी पूछा आपको जो आई वाले में, ये जो आई है वो क्या होगा। तो ये जो आई यदि आपको निकालना है तो आप लोग 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 बटा 3 दर्ज बता 4 मिली एम्पियर आपका आंसर आ रहा है। तो क्या मैं सही हूँ क्या? तो आप एक बार टिक कर दीजिए कौन सा आंसर आपको दिख रहा है। 4 आंसर बन के आ रहा है। ए कोई डाउट आ रहा है किसी बच्चे को तो पूछो, कोई डाउट आ रहा है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। एवरीवन एनीवन इफ यू हैव एनी डाउट। 6 मिली एम्पियर आ गए बच्चे, कर लेते हैं, गलती तो नहीं करी है। ओके आई एम जस्ट चेकिंग ना, आई एम चेकिंग। हाँ तो देखिए यहाँ पे 1 kΩ 2 kΩ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद 12 वोल्ट। ठीक है, करंट पूछी है 2 kΩ में, तो अपोजिट वाला रजिस्टर ऊपर आएगा, वो रजिस्टर मैंने ऊपर लिख लिया, डिवाइड बाई 2 + 1 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड 12/3, तो 12/3 4 मिली एम्पियर, यही तो पूछा है ना इसने क्वेश्चन में, और क्या पूछा है, यही पूछा है ना, आई थिंक यही पूछा है ना, 2 kΩ में करंट कितनी होगी, मतलब क्या कुछ ये क्या करना चाह रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग यूज कर रहे हो क्या, एक्स्ट्रा दिमाग यूज कर रहे हो, स्मार्टनेस यूज कर रहे हो। 12/2 होगा, एक्स्ट्रा दिमाग यूज। ओके एक सेकेंड, दिस इज नॉट अ करंट, सॉरी एक्चुअली दिस इज नॉट अ करंट, सॉरी द वोल्टेज, करंट समझ लिया मैंने इसको, या सॉरी इसमें मेरी गलती है, वो करंट नहीं है वोल्टेज है, सॉरी एक्चुअली वो करंट नहीं है वो वोल्टेज है, ये गलती मेरी है, आप लोगों की गलती नहीं है, एक्चुअली तो मैंने यूज कर लिया कुछ, या सॉरी एक्चुअली ये वोल्टेज नहीं, ये वोल्टेज है सॉरी, मैं इसको करंट समझ लिया, एक्चुअली मैं इसको करंट समझ लिया, मैं समझ रहा था करंट टोटल 12 है, तो ये गलत मेरा हो गया यहाँ पे। तो आपको बता दूं कि वोल्टेज दोनों के एक्रॉस 12/12 है, तो आई डायरेक्ट निकाल लोगे 12/2, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, तो आता 6 mA, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, 6 mA द आंसर, या सॉरी फॉर दिस, अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का आंसर वही आ रहा था, या दिस इज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस, या तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है दैट इज अबाउट 6 mA। 23 क्वेश्चन निकालिए जल्दी से बोलिए, या सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, अपनी मिस्टेक मान रहा हूं मैं, ऐसे हो जाता है या नजर हटी दुर्घटना घटी, यस एक्चुअली क्वेश्चन बड़े आसान है, एक्चुअली क्वेश्चन इतने आसान है कि एक क्वेश्चन निपटी गया, या क्वेश्चन ज्यादा ही आसान है ये, लेकिन कभी कभी हो जाती है छोटी छोटी गलती। 40 × 10⁻³ किसके बराबर होता है बताइए, तो उसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने आपको बोला है 40 × 10³⁻³ किसके बराबर होगा, तो ये आपका 40 mA के बराबर होता है। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक मिनट के लिए अपना चेहरा हटा लेता हूं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप लोग आंसर दीजिए, ऐसा पेपर आपका आ जाए, एक्चुअली नहीं ये थोड़ा लो लेवल का पेपर है, कैटेगरी 2 वाला है, वैसे ये कैटेगरी 1 वाला थोड़ा इससे ऊपर होगा, थोड़ा इससे ऊपर होगा, कैटेगरी 2 ये कैटेगरी 2 का, लेकिन कैटेगरी 1 थोड़ा से ऊपर होगा, और क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं आपके भी, लेकिन थोड़ा ऊपर रहते हैं क्वेश्चन। या इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिग्नल इज 10 μs देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो माय फ्रेंड यदि टाइम पीरियड आपको 10 μs दिया, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1/ टाइम पीरियड निकाल दो, 10 μ ऊपर जाके 10⁶ है, ये 10⁵ आपका आया, और 10⁵ को आप लोग 100 kHz बोल सकते हो, 100 kHz कोई है क्या, है ना, ओके ये ऑप्शन है ना, चलो गई नेक्स्ट एक बार देखिए। अच्छा वो टेंशन मत लीजिएगा सर, 25-26 क्वेश्चन का वो लास्ट में है, 25-26 क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, आप लोग जल्दी से 28 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 28 का आंसर क्या आ रहा है बताइए बच्चों। बेटा एक बार 28 का फॉर्मूला किस बच्चे को आता है, ये आपसे रेगुलेशन पूछा है परसेंटेज में, या आप मेरे को बताइए रेगुलेशन कितना होगा, परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला
तो भैया बताइए, मल्टीप्लाई बाई 100 तो होता है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में होता है बताइए? नीचे क्या आएगा, नो लोड या फुल लोड बताइए? नीचे क्या आएगा, नो लोड या फुल लोड? नीचे क्या आएगा, नो लोड या फुल लोड? नीचे क्या आएगा, नो लोड या फुल लोड? बोल दीजिए। अभी भी 10-12 बच्चे गलत ही गलत दे रहे हैं। कोई बोल रहा है डी, कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी। देखो इतना आसान क्वेश्चन, नीचे क्या आएगा, नो लोड या फुल लोड? नीचे आएगा फुल लोड। एक बच्चा बोल रहा है नीचे आएगा नो लोड, एक बच्चा बोल रहा है नीचे आएगा फुल लोड। बेटा नीचे क्या आएगा, नीचे फुल लोड। एक सेकेंड, नीचे नो लोड आएगा, नीचे नो लोड। सॉरी आप यार, किसके रेस्पेक्ट में, नो लोड के रेस्पेक्ट में निकालोगे ना? तो वी नो लोड, वी नो लोड, और दिस वाज़ द वी नो लोड। ओके, तो गाइस नो लोड माइनस वी फुल लोड। फुल लोड वोल्टेज लेस ना, नो लोड के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नो लोड कितना है? ये वो था 20 माइनस 19.8 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से ये 5 बार कट रहा है, और 5 × 0.2 1.0% आ रहा है बच्चों। तो जो बच्चा सी बोला वो बच्चा एकदम सही बोला, सी इज द आंसर। जो बच्चा सी बोला वो एकदम सही बोला। ओके, आई होप दिस क्लियर टू ऑल। नो लोड वोल्टेज 20 वोल्ट, लोड वोल्टेज लेस रहेगा। ओके, तो हिसाब से रेगुलेशन आप देख लो, किस हिसाब से रेगुलेशन आप निकालोगे। ठीक है, ऑप्शन का साथ ले सकते हो आप, ऑप्शन के थ्रू भी आप देख सकते हो नो लोड आएगा फुल लोड आएगा। यदि याद भी नहीं है तो ऑप्शन देख के ही बता सकते हो क्या आएगा, फलसा फंडा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 को देख के बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू यू? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू यू? बोलिए, ट्रांसफार्मर। देखो मेरे, मेरे को नहीं पता है ट्रांसफार्मर आप, लेकिन मेरे को लगता है नो लोड ही आता है। एक बार आप बोलोगे तो जस्ट, मेरे को लगता नहीं है जो आप बोल रहे हो दीपक सही है, लेकिन आप देख रहे हो तो रेगुलेशन का मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ट्रांसफार्मर, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ ट्रांसफार्मर, अभी सर पढ़ाते हैं ट्रांसफार्मर वाला पार्ट, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या दे रखा है ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रांसफार्मर में तो इनपुट पावर आउटपुट पावर दे रखा है वैसे तो ट्रांसफार्मर में तो। यस, एक दो जगह फुल लोड दिया हुआ है, एक्चुअली एक दो जगह फुल लोड दिया हुआ है। यस, ये दीपक सही बोल रहा है, एक दो जगह फुल लोड दिया हुआ है, बिल्कुल सही बोल रहा है। एक्चुअली वो डाउन और अप का ही खेल है, डाउन और अप का खेल है पूरा। ये जो बता रहा है डाउन अप का खेल है, बिकॉज ये डाउन रेगुलेशन है। तो डाउन रेगुलेशन, जैसे डाउन रेगुलेशन, एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनेगा। तो यदि डाउन रेगुलेशन है, यदि डाउन रेगुलेशन है, तो याद रखिए नीचे आएगा, नीचे आएगा वी नो लोड। ओके, और यदि आपका अप रेगुलेशन है, यदि फुल लोड बढ़ रहा है, तो नीचे आएगा वी फुल लोड। ऐसे याद कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा। यदि डाउन रेगुलेशन का क्वेश्चन है तो नीचे आता है नो लोड, अप रेगुलेशन है तो नीचे आता है फुल लोड। या देखिए, मेरे को उसका आइडिया, ट्रांसफॉर्म का आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन आप बता रहे हो तो होगा। ओके,
याद रखिएगा, डाउन रेगुलेशन नीचे नो लोड, अप रेगुलेशन नीचे फुल लोड, याद रखिएगा। एक बार 29 वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए 29 वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एवरीवन जल्दी से 29 वाले क्वेश्चन का आंसर दो। एक ट्रांजिस्टर का 29 वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक ट्रांजिस्टर का आप जल्दी से देखो, एक ट्रांजिस्टर का बीटा आपको 250 दे रखा है, और आपको बता दूं आपको आई वी भी दे रखा है कितना, 20 माइक्रो एम्पियर। तो आपको आईसी पूछा है, तो आईसी तो आपको पता है ना, बीटा आई वी होता है फॉर्मूला भैया, 250 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, माइक्रो एम्पियर है तो ये 25 दुनी 50, 20 और हैं माइक्रो एम्पियर, तो बन के आ जाता है 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर कोई ऑप्शन में था क्या? यस, बी ऑप्शन में था, आंसर हो गया। ओके चलो गाइस आई होप दिस क्लियर टू ऑल। एक बार अपने नोट चेक कर लीजिएगा एवरीवन, ट्रांसफार्मर मोहिसन ने कराया ना आपको, एक बार नोट चेक कर लीजिएगा, नोट ट्रांसफार्मर के नोट चेक कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे बहुत टाइम हो गया ट्रांसफार्मर पढ़े, मैंने बहुत पहले पढ़ा था ठीक है। तो आई होप दिस क्लियर टू ऑल। लेकिन हाँ एक याद रखिए, ये अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन के फंडा से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो फॉर्मूला। नेक्स्ट गाइस, ये 27 क्वेश्चन आपके सामने, आपको बोला ये सिंबल किसका है, बोलो 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 जल्दी से। और कल की क्लास 5 से 7 है, कल की क्लास गाइस, टुमारो क्लास 5 बजे से रखी है, टुमारो क्लास 5 बजे, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग है थोड़ा सा, मैं ट्रैवल करूंगा थोड़ा सा, तो इसलिए 5 बजे मैंने क्लास रखी है, घर पे मैं 5 बजे तक ही पहुंच पाऊंगा, तो 5 बजे मैंने क्लास रखी है कल शाम को, याद रखिएगा एवरीवन। ओके हाँ, तो व्हाट द आंसर गाइस, इस सिंबल का नाम, इस सिंबल क्या है सर, क्यों टेल मी सिंबल कैसा है, ये सिंबल की मैं यदि बात करूंगा तो ये सिंबल कौन सा है सर, ये पीएनपी वाला सिंबल है सर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, वेरी गुड गाइस। अभी ये क्वेश्चन सर उल्टे कैसे लिख दिए 48, कोई बात नहीं आप करते जाइए, नंबरिंग थोड़ा ऊपर आगे पीछे हो गई है, तो बताओ ये क्या है, ये क्या है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, बैटरी है, कैपेसिटर है, क्या है ये, बोलिए क्या है ये, क्या लग रहा है आपको, हम लोगों को टूर लेके चलिए सर सही है बेटा, सही है सही है, आप जल्दी से जॉब अब स्टार्ट करो, फिर आप टूर पैकेज पे कभी भी मेरे को मिल जाओगे। बोले इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डायोड, यस इस क्वेश्चन का आंसर है डायोड, वेरी गुड बेटा। एक बार इसी तरह 49 का आंसर भी निकाल दो, एक बार जल्दी से 49 का आंसर बता दो। नाउ आपको बोला है कि भाई एक रजिस्टर है, एक 1.2 ओम का, और आपको बता दूं कि यहां पे जो करंट बह रही है वो है 30 एम्पियर की, तो वोल्टेज निकाल दो बेटा, वोल्टेज निकालने के लिए आईआर लगा दो, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 30 बता दो कितना आ गया, भारतीय 36 है, डी आंसर दिया है ना, ये वाला 50 वाले क्वेश्चन का आंसर दो, पैरेलल डैश सर्किट इज अ टैंक सर्किट, ये तो आसान है, बताइए अब बताइए 50वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेरी गुड आई थिंक मैं आगे चल रहा हूँ आप ही चल रहे हैं, 50वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा सर्किट टैंक सर्किट बोला जाता है बेटा, जहां तक आप लोगों ने पढ़ा होगा एलसी सर्किट को टैंक सर्किट बोला जाता है ना, एलसी को, तो जो एलसी सर्किट होता है उसको टैंक सर्किट बोला जाता है, आंसर हो गया सी, कैपेसिटर इंडक्टर सर्किट को टैंक सर्किट बोला जाता है, क्लियर क्लियर ना, ओके बच्चा वेरी गुड। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ बेटा, 50 क्वेश्चन कवर करा दिए आज की क्लास में, देख रहे हो जल्दी से, अभी मतलब अभी और हैं, अभी करते जाओ, अभी 10-12 मिनट बचे हमारे पास। थर्मोकपल आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ व्हाट, बताओ डेंसिटी टेम्परेचर प्रेशर फ्लो, बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ व्हाट इज टेम्परेचर, यस ये 45 वाला बताओ, 45 वाला बताओ बच्चों, 45 वाला आंसर बताओ, 45 वेरी गुड। 5 नंबर 2 वोल्ट की बैटरी है, 5 है ऐसी, 5 पैरेलल लगा रखी है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बोलिए यस 2 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि सारे पैरेलल लगे हैं,
दो वोल्ट लगेगा क्योंकि सारे पैरेलल लगे हैं। ओके नेक्स्ट, कितने लीड होते हैं ट्रांजिस्टर में बताइए बच्चों। ये जो आपको बोला था ना एक ऑफलाइन वाला पेपर हुआ था, तो ये ऑफलाइन वाले पेपर है, ये आपको बोला था ऑफलाइन वाला पेपर, तो कैटेगरी टू का ऑफलाइन पेपर है एक्चुअली। हाँ, हाउ मेनी लीड आर प्रेजेंट इन ट्रांजिस्टर, ये बताइए ए बी सी डी फोर ऑप्शन, कितने लीड होते हैं ट्रांजिस्टर में। या तीन लीड होते हैं, ये आपको पता ही है, बेस कलेक्टर और इमीटर। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज इज प्राइमरली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हाट। व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग प्राइमरली किस में यूज करते हैं, किसके मेजरमेंट करते हैं उससे हम लोग बताओ। 47 का आंसर दो, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं यार, गुड लोग करते हैं, देखते जाना क्वेश्चन को। ठीक है नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आपको 26 और 27 ऐड करने को बोला है, तो मैं आपको बोलूंगा 26 और 27 डेसिमल वैल्यूज हैं, आप ऐड कर लीजिए और फिर आप मेरे को बताइए कि आपका आंसर बाइनरी में पूछा है, बाइनरी में क्या आएगा। मतलब आपने ऐड कर लिया सर, 26 और 27 मैंने ऐड कर लिया, कितना 26 27 सर, 7 और 6 3 का 1, 2 2 4 और 1 5 53 आ रहा है, लेकिन 53 ये आपका डेसिमल में है, तो आपको 53 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें 53 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। 53 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो 53 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से कर लीजिए सर, 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, ए द 2 ए द 6 1 कैरी, ए द 2 सॉरी 1 इधर रिमाइंडर, ए द 1 3 दिस इज 0, ए द 2 दिस वाज द 6 दिस वाज द 1, हियर वाज द 2 माय फ्रेंड दिस वाज द 3 दिस वाज द 0, ए वाज द 2 दिस वाज द 1 दिस वाज द 1, तो 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1, भैया जो आंसर आया है 1 1 1 1 0 1 0 1, ऑप्शन सी आया है। ओके या गुड नाइट बेटा, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए, क्वेश्चन 40 का आंसर क्या होगा। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज यूज्ड एज, बोलो क्या आंसर होगा। यस, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज यूज करते हैं। यस मैं सही बोल रहा है बेटा, सही बोल रहे सौरभ दास बेटा, 40 क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। यस, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद हाई रेजिस्टेंस सीरीज विद वोल्टमीटर। चलो एक बार जल्दी से 41 का आंसर दो, कॉमन मोड गेन ऑफ ओप एम्प कैसा होता है। कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन बच्चों, कॉमन मोड गेन ये क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूं, कॉमन मोड गेन के बारे में बताइए, बताओ बताओ सबके आंसर देख रहा हूं, बताओ एवरीवन। कॉमन मोड गेन ऑफ ओपैम इज वेरी हाई वेरी लो। अरे बेटा 40 का बी होगा सर, 40 का बी, 40 का बी हो गया, 40 का बी हो गया विशु, 41 पे आओ। वेरी लो, यस वेरी गुड इज द बी, वेरी लो बहुत बढ़िया। 42 पे आओ जल्दी से, 42 पे आओ, 42 पे आओ। टू वर्क एज एन ऑसिलेटर द टोटल फेज शिफ्ट ऑफ द ओपन गेन सॉरी द शिफ्ट फेज शिफ्ट ऑफ द लूप गेन ऑफ एन एम्पलीफायर मस्ट बी इक्वल टू, ऑसिलेटर में कितना होता है। 42 बताओ, 42 एवरीवन कितना होता है बोलो। अरे सी कैसे सौरदास, अरे सौरभ दास यार ये ऑसिलेटर की बात हो रही है, लूप गेन का फेज शिफ्ट पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ब्रैक हुसैन क्राइटेरिया, अरे ब्रैक हुसैन क्राइटेरिया, ब्रैक हुसैन क्राइटेरिया, ए बीटा का मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, ए बीटा का फेज 360 डिग्री या 0 डिग्री। ब्रैक हुसैन क्राइटेरिया का फेज 0 डिग्री या 360 डिग्री और ए बीटा का मल्टीप्लाई इज 1। नेक्स्ट 36 का आंसर दो, रिपल फैक्टर ब्रिज रेक्टिफायर का कितना होता है बोलो। ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है बोलो। हियर द रिपल फैक्टर एवरीवन, पॉइंट 81 पक्का, एक्चुअली इज नॉट एफिशिएंसी। हम्म,
पक्का? मेरे को लग नहीं रहा जो आप बता रहे हो। नहीं, द 1.21 वो इफिशियंसी होती है जो आप बता रहे हो, ठीक है, कोएफिशिएंसी होती है, कोएफिशिएंसी होती है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर इज 1.21। जस्ट चेक एवरीवन, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, एक सेकेंड में एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लीजिए एक मिनट के लिए, एक मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली हमको ब्रिज का देखना है ना, 0.482, यस 0.482 क्या आया, एक बार चेक कर लेते हैं। यस 1.21 हाफ वेव का है, सॉरी एक्चुअली सॉरी 1.21 फॉर द हाफ वेव, या 1.21 इज फॉर द हाफ वेव, सॉरी नहीं नहीं हाँ 1.21 फॉर द हाफ वेव ऑफ 0.481 द आंसर इज ए नॉट 0.81 एक्चुअली 1.21 फॉर द हाफ वेव, सॉरी गलत, दिस फॉर द हाफ वेव बच्चों, हाफ वेव के केस में है 1.21। ओके बेटा मोहिनी 81.2 वो इफिशियंसी, आई एम नॉट आस्किंग इफिशियंसी द रिपल फैक्टर, आई एम नॉट आस्किंग इफिशियंसी, इफिशियंसी होती है 81.2%, इफिशियंसी होती है 81.2% इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, आई एम नॉट आस्किंग इफिशियंसी, आई एम आस्किंग रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर 0.48 एंड रिपल फैक्टर इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21। ओके चलो, हो जाती गलती, हो जाती कभी कभी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए बच्चों, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज ऑल्सो नोन एज वॉट, एनीवन? 37 इज अ फेमस नेम, इमीटर फॉलोअर, 37 इज अ फेमस नेम, इज अ इमीटर फॉलोअर, इज अ वेरी फेमस नेम। ओके इमीटर फॉलोअर गाइस, क्वेश्चन नंबर 38, कैन यू टेल मी द आंसर, मेरी बात सुनना ध्यान से, द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन द लाइटली डोब्ड पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बाइस कंडीशन इज कॉल्ड डैश ब्रेकडाउन। तो माय फ्रेंड हमें देखना पड़ेगा सर, बीबीआर लेस देन 6 वोल्ट होता था और ग्रेटर देन 6 वोल्ट होता था, ये होता था ज़ीनर ब्रेकडाउन में और ये होता था एवलांच ब्रेकडाउन में, और सर मैंने पढ़ा था जो VBR होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होता है सर। ओके तो डोपिंग यदि कम होगी तो BBR ज्यादा होगा, डोपिंग कम होगी तो BBR ज्यादा होगा बच्चा। सर मैं बोला डोपिंग कम है, बोला डोपिंग कम है, डोपिंग कम है, आपका बनेगा क्या एवलांचे आंसर आएगा, ठीक है, तरीका याद करने का यही है, ठीक है, लाइटली अवलांचे हाईली। गाइस जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अब टाइम नहीं है, बहुत टाइम खत्म होने वाला है, बताइए एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, एलसीडी का फुल फॉर्म पी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फॉर मेकिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं, पी टाइप को बनाने के लिए कौन सी इंप्योरिटी ऐड की जाती है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड। नेक्स्ट 34 का आंसर आप लोग दीजिए, दो आंसर मैंने दे दिए, 30 मैंने दे दिया, 34 का आंसर आप लोग दीजिए। फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज रेटिंग जीनर डायोड को कैसे यूज करोगे, वोल्टेज रेटिंग यदि आपको बढ़ानी है तो जीनर डायोड को कैसे यूज कर लोगे, बोलो ये 34 वाला आंसर आप दीजिए, यदि आपको वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज करना है तो जीनर डायोड को कैसे लगाओगे बताओ, पैरेलल में, पैरेलल लगाने कोई फायदा है, रश्मि एक बार बताओ पैरेलल लगाने कोई फायदा है जीनर डायोड को, यदि पैरेलल में आप लगा दोगे तो वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगी कैसे, पैरेलल में यदि आप बोल लो पैरेलल में लगाओगे तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगी कैसे, मेरे को वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है, और आपको एक बात समझो आप, सीरीज द आंसर इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्विस्ट वाला है, एक्चुअली 34 क्वेश्चन ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है और आप लोग पैरेलल ही आंसर दिए, बिकॉज मेरे को लग रहा था आप लोग पैरेलल ही बोलोगे,
आपने पैरेलल ही दिया, सीरीज में लगाओगे ना। अरे जीनर डायोड आप समझ कर रखो, जीनर डायोड एक वोल्टेज की तरह होता है, जीनर डायोड एक वोल्टेज की तरह होता है, सीरीज में लगा दोगे वाला वोल्टेज प्लस वाला वोल्टेज जुड़ जाएगा तो बड़ी रेटिंग हो जाएगी, खत्म। चलो इट्स बी, क्या बी सीरीज पैरेलल, सीरीज है। 35 का आंसर दीजिए अब आप लोग, क्या बोलिए वर द आंसर 30। ओनली ए सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्या क्या, खाली नॉट गेट ही बना सकते हो आप लोग, बिल्कुल सही बोले विश्व, बिल्कुल सही। यदि आप एक ट्रांजिस्टर यूज करोगे तो एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से खाली आप नॉट गेट ही बना सकते हैं, खाली एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से खाली आप लोग नॉट गेट ही बना सकते हैं। ओके चलो गाइस, 24, 25, 26 छूट गए थे, एक बार ये वाला बता, ये वाला हो गया है क्वेश्चन, 100 किलोहर्ट्ज़ वाला। नॉर्मली जीनर डायोड को कैसे कनेक्ट करते हो ये बता दो, फॉरवर्ड बाइस में या रिवर्स बाइस में ये बता दो आप लोग। तो नॉर्मली जीनर डायोड को कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है चलो 26 लास्ट क्वेश्चन, सो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट, एक घंटे क्लास 50 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, टू इंक्रीज द करंट इन सीरीज आरएल सर्किट, कोई सीरीज आरएल सर्किट है आप लोगों के पास, एक आर और एक एल आपके पास सर्किट है, द फ्रीक्वेंसी शुड बी, द फ्रीक्वेंसी शुड बी एनीवन, डिक्रीज नहीं, एक्चुअली आई एम जस्ट आस्किंग टू इंक्रीज द करंट, आई होप यू नो करंट आई इज इक्वल टू, जस्ट देख लो आई सिंपली इक्वल टू वी बाई जेड, इज अ वी बाई अंडर रूट जेड, मीन्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं आपको बोल रहा हूं आपको आई को इंक्रीज करना है तो आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होगा, तो आपकी भाई फ्रिक्वेंसी कम हो, यदि आपकी फ्रिक्वेंसी कम होगी तब जाके आपकी करंट बढ़ेगी, तो फ्रिक्वेंसी को कम करना पड़ेगा तभी जाके मेरी करंट बढ़ेगी, तो आपका आंसर हो जाता है बी, यस बी इज द आंसर, क्लियर, तो बी इज द आंसर। एक्चुअली ऊपर इसका रीजन देखो, असल में जस्ट चेक द रीजन, अपर साइड का रीजन देखिए, आई बराबर बी बाई जेड, तो बी अपॉन जेड होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी। ओके तो गाइस उस हिसाब से लगाओ, यदि ओमेगा घटेगा तो आई बढ़ेगा, तो बस आंसर इज व्हाट, क्लियर, यही पूछा था गाइस, क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन फिनिश, क्लियर। चलो गाइस क्लियर, तो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। चलो यस, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।